तो हेलो गाइस, आप सबका फिर से एक बार स्वागत है हमारे नए स्ट्रीम जो कि है दिल्ली कस्टम्स। यहाँ पर भाई देख सकते हो प्लेन का रूट बहुत ही बेहतरीन जाती है, जॉर्जो पुल से लेके मिल्टा पावर तक। तो भाई एकदम मिडिल से गया है जोन, सॉरी प्लेन रूट। तो यहाँ पर तो सब जगह पर ही एनिमी उतर सकते हैं, सभी हॉट ड्रॉप पे यहाँ पर उतर सकते हैं। और एक बार बात बता दो, हमारे यहाँ पर फिर से कमेटी पे आ चुके हैं डीएनए बैकशॉक, तो उनका एक बार स्वागत करना चाहेंगे हम यहाँ पर। तो डीएनए बैकशॉक, आपका वेलकम। हेलो बैकशॉक। थैंक यू फायर फर्स्ट। और इसी के साथ बात कर लेते हमारे टीम्स के बारे में। जो 22 टीम्स हैं यहाँ पे, टीम हाइपर कैप्टन है, टीम हाइपर थॉर है, एनबीटी है, टीम वल्गर को हम देख सकते हैं, टीम 204 यहाँ पे खेल रहे, हाइड्रा टाइटन खेल रहे, टीम हेडशॉट यहाँ पे खेल रहे, शील्ड के साथ टीम नरुला, टीम आरसीबी, और यहाँ पे टीम गॉडफादर भी खेल रहे, हाइपर कैप्टन का एक और लाइन ऑफ खेल रहे, टीम डेथस्ट्रोक यहाँ पे खेल रहे, टीम क्रॉनिकल्स यहाँ पे खेल रहे, टीम एटम, टीम गरुड़, टीम हैजर्ड, और यहाँ पे टीम डोमिनिक्स, यहाँ पे गरुड़, फिनिक्स ओपी ने, यहाँ पे रियल एक्स डैडी, दोनों प्रो प्लेयर अपना समय, जो कि गरुड़ की टीम है। यहाँ पे हम देख सकते हैं कि टीम नंबर शायद थोड़ा लास्ट में होगा क्या जी, बिल्कुल यहाँ पे टीम नंबर 18 यहाँ पे गरुड़, फिनिक्स तो किल भी नहीं मिला है। और टीम 204 की बात कर चुका हूँ मैं, टीम यूनिटी नया नया टीम आया। और यहाँ पे राहुल रैकेट यहाँ पे आरबी वुल की तरह नॉक होते हुए एकेएम के द्वारा, और जैसे कि हम देख सकते हैं कि जॉर्ज यहाँ पे टाइटन है, जॉय भी यहाँ पे हाइपर एंड को नॉक कर देते हुए, यहाँ पे हाइपर एंड को भी पूरी तरीके से किल कर दिया। यहाँ पे जो कि मिल्टा पावर का जो सीमेंट्री फैक्ट्री है वहाँ पे फाइट हो रहा है टीम 8 वर्सेस टीम 8 के पास, यहाँ पे एक किल आ गया है और राहुल रैकेट का किल मिल चुका है। यहाँ पे टीम नंबर 5, टीम नंबर 3 और टीम नंबर 8 आपस में, यहाँ पे T4 शीटर ने यहाँ पे शॉर्ट गन के द्वारा क्रेजी वी को वीके को नॉक कर दिया है। जैसे कि देख सकते हो हम राइट हैंड साइड ऑन द मिल्टा पावर पे वो फाइट हो रहा है। यहाँ पे पोचिंग की में एक स्क्वाड गया है, पोचिंग की में कोई फाइट होने का आशा नहीं है। लेफ्ट हैंड साइड की तरफ देख सकते हो क्वारी के बीच, यहाँ पे लेफ्ट हैंड साइड में यहाँ पे टीम नंबर 11 गया हुआ है, टीम नंबर 19 गया हुआ है, जो हिडियक्स वगैरह जहाँ जो घटका के लेफ्ट हैंड साइड में है, वेस्टर्न साइड में है, वो लोग छोटा छोटा कंपाउंड लूटेंगे। यहाँ पे जॉर्जो पुल में देख सकते हैं टीम नंबर 17 और टीम नंबर 8 गरुड़, 18 यहाँ पे गरुड़ गया हुआ है, टीम यहाँ पे टीम नंबर 15 गया हुआ है यहाँ पे जॉर्जो की सिटी की तरह। और सिटी के यहाँ पे टीम नंबर 12 जो गया है यहाँ पे, जो फर्स्ट ब्लॉक ऑफ द सिटी यहाँ पे टीम नंबर 12 जो कि आरसीबी का है, उन्होंने यहाँ पे वो लूट रहे हैं। गॉडफादर को हम देख सकते हैं शूटिंग रेंज यहाँ पे जा चुके हैं, तो शायद ये लोग सेवन भी जाएंगे और लूट वगैरह करेंगे। और यासना की बात की जाए तो यासना में यहाँ पे टीम 6 गया हुआ है, शायद वो टीम हाइपर कैप्टन होगा। और यहाँ पे शील्ड गया हुआ है जो कि टीम नंबर 10, यहाँ पे शील्ड गया हुआ है स्कूल के अपार्टमेंट में। दूसरी तरफ स्कूल में देख सकते हैं टीम नंबर 9 और 7 का शायद यहाँ पे तीन प्लेयर, शायद एक बार कोशिश करते हैं देखने की, जी नहीं, यहाँ पे तीन सेवन टीम नंबर 7 का सोलो प्लेयर अकेले स्कूल में गया हुआ है। और राइट में जो कंपाउंड है एक रास्ते की, और वहाँ पे उनका दो यहाँ पे टीममेट गया हुआ है। फार्म पे देख सकते हैं कातिल याश का टीम यहाँ पे टोटल स्प्लिट खेलते हुए, टीम नंबर 22 यहाँ पे शेल्टर गया हुआ है। प्रिजन में हम देख सकते हैं कि टीम नंबर 20 यहाँ पे आई एन डी आशुतोष, शुभम, टॉक्सिक, वेजिटा और यहाँ पे कुछ है। और इसमें भी एक फायर फर्स्ट एक स्क्वाड गया हुआ है। नोवो में देख सकते हो जो कि जोन के बाहर है यहाँ पे, नोबो में कृष्णा दी यहाँ पे साइबर साइब वाइब्रियर या समथिंग कुछ और नाम था, मैंने ठीक से पढ़ा नहीं, नॉक देते हुए यहाँ पे। तो एक बार चले जाते हैं फाइट कहाँ पे हो रहा है, डीपी से यहाँ पे स्प्रे देने का कोशिश हो रहा है, लेकिन यहाँ पे स्कूल में देख सकते हो कि टीम नंबर 7 वर्सेस शील्ड, यहाँ पे टीम नंबर 10 जो कि स्कूल के अपार्टमेंट में हो रहा है अभी, वो लोग बग्गी लेकर निकल चुके हैं, तो शील्ड शायद ये भी देख चुका है कि वो लोग निकल चुके हैं और फायर देने की फिर भी कोशिश कर रहा है, क्या पता एक प्लेयर यहाँ पे डाउन हो जाए। लेकिन यहाँ पे नॉर्थ ईस्ट में एक फ्लेयर चला हुआ है फायर फर्स्ट जो कि देख सकते हो, और शायद एक बार देखना चाहूँगा यहाँ पे क्या है। और फ्लेयर यहाँ पे मंगवाया है
टीम हाइपर कैप्टन का टीम जो यसना में, और यहाँ पे हाइपर मोनो भी एक प्लेयर को नॉक देते हुए चले जाते हैं। फ्लेयर में क्या है, फ्लेयर में बहुत अच्छा एक असॉल्ट गन है। यहाँ पे क्रेजी एस इसको पूरी तरीके से हेडशॉट के द्वारा यहाँ पे टोटली फिनिश करते हैं। तो एक बार बात कर लेते हैं फायर फर्स्ट यहाँ पे, और यहाँ पे हाइपर थॉर भी यहाँ पे नॉक हो चुका है और हाइपर मोनो भी यहाँ पे नॉक हो चुका है। तो सिचुएशन अभी जो अर्ली फाइट यहाँ पे देखने को मिल रहा है यहाँ पे, जो कि शेल्टर में शायद टीम नंबर 22 का एक प्लेयर जा चुका है। यहाँ पे टी फोर शिफ्टर पूरी तरीके से हाइपर क्राउन को नॉक कर दिया, डार्क क्रोनोस यहाँ पे हाइपर क्राउन का किल यहाँ पे, और दूसरी तरफ यहाँ पे मेंशन में यहाँ पे फाइट हो रहा है जो कि हम देख सकते हैं, और टीम नंबर 23 पूरी तरीके से यहाँ पे खत्म करते हैं। टीम गरुड़ भी यहाँ पे, शायद यहाँ पे गरुड़ का पता नहीं एक प्लेयर शायद यहाँ पे होगा टीम गरुड़ का। एक बार चले जाते हैं टीम गरुड़ के पास। यहाँ पे टीम गरुड़ ने दो प्लेयर खो दिया है यहाँ पे, फिनिक्स और गौतम खेल रहा है, रिद्धिक्स और कृष्णा देई यहाँ पे जा चुका है, और टीम नंबर 17 सामने है यहाँ पे गरुड़ फिनिक्स के पास। यहाँ पे UMP 45 और इनविजिबल गोकू भी वहाँ पे नॉक लेता हुआ, गरुड़ गौतम यहाँ पे नेट के द्वारा नॉक होता हुआ एक कवर फायर देने की कोशिश हो रहा है। लूटकिंग तरुण यहाँ से राइट से फ्लैंक कर रहा है, पीछे से उनको लेफ्ट से ही उनको शॉट्स पर गया है, और फिनिक्स ओपी का बेहतरीन नॉक, गरुड़ गौतम भी यहाँ पे नॉक होते हुए। तो शायद यहाँ पे एक ही प्लेयर बचा है जी, यहाँ पे फिनिक्स ओपी अकेले बचा हुआ है शॉटगन लेके, लेवल 1 का हेलमेट, लेवल 2 का वेस्ट लेके जा रहा है कंटेनर को, और यहाँ पे सामने रखते हुए 1v4 का सिचुएशन है। और दूसरी ओर पता नहीं कहाँ फाइट हो रहा है, इम्पर बैलेट के द्वारा यहाँ पे डेविल अनुज नॉक हो चुका है, लाइकन यहाँ पे डार्क सोल को नॉक हेडशॉट के द्वारा नॉक कर देते हुए, और वो उनको पूरी तरीके से उनको फिनिश भी करेगा, जो कि टीम ए स्टार यहाँ पे 14 नंबर टीम है। ऑलरेडी यहाँ पे इनविजिबल गोकू को नॉक कर दिया है, और अभी भी यहाँ पे जॉर्जपुर में देख सकते हो गाइज, यहाँ पे 1v4 रियल एक्स डैडी राइट से फ्लैंक किया। सो इट्स रियल एक्स डैडी वर्सेस गरुड़ फिनिक्स ओपी शॉटगन वर्सेस यहाँ पे, और शॉटगन के बेहतरीन नॉक कर दिया है यहाँ पे, लेकिन बहुत लेट है तो शायद नहीं बच पाएंगे। और जी बिल्कुल, यहाँ पे रियल एक्स डैडी को रिवाइव मिल गया है, यहाँ पे रिवाइव दिया गया है। और भाई इसी के साथ जॉर्जोपुल जो है वो पूरा का पूरा टीम एटम के पास, ऑलरेडी यहाँ पर इनविजिबल गोकू को नॉक करते हुए आरसीबी गोलू यहाँ पर एटम वेनम को नॉक करते हैं, जो कि टीम डेस्टॉक से एटम वेनम होता है अभी फिलहाल नॉक हो चुके, एटम वेनम टोटली किल होते हैं, ऑलरेडी यहाँ पर फिर से इनविजिबल गोकू को भी नॉक करते हैं। भाई कहाँ पर हो रहा है फाइट, एक बार बैठक देखो कहाँ पर हो रहा है। फैट 4L जो कि टीम स्टार से है, उन्होंने भी किसी को नॉक किया है यहाँ पर। एक बार चले जाते हैं उनके पास, जहाँ तक लगता है भाई फाइट का मैप पे तो कोई भी शो नहीं कर रहा है भाई, इतना जल्दी नहीं भी जा सकता। तब तक हम चले जाते हैं एक बार भाई 22 टीम शेल्टर के पास यहाँ पर फाइट देखने को मिल रहे हैं हमको। यहाँ पर क्रेजी आरएम यहाँ पर टॉक्सिक वेटा को नॉक करते हुए, क्रेजी आरएम यहाँ पर शुभम को नॉक करते हुए, लीजेंड यहाँ पर मैफिस दोस्त को नॉक करते हुए, भाई यहाँ पर तो बहुत ही ज़्यादा फाइट देखने को मिल रहा है अभी फिलहाल। तो पता नहीं कि यहाँ पर कोई भी साउंड वगैरह तो नहीं आ रहा है हमारा गेम का, कोई भी फायर का भी कोई आवाज़ नहीं आ रहा है। फिर फुटस्टेप्स हमको मिल रहा है यहाँ पर, पता है नहीं क्या क्या हो जाता है बीच बीच पे। यहाँ पर 22 नंबर टीम जो कि शेल्टर के सामने ग्राउंड पे देख लेते हैं, और एक ही बाकी है यहाँ पर कातिल यार, जो कि टीम कातिल से आसपास उनके पास MP45 शॉर्ट गन भाई यहाँ पर। तो डार्क करतूस यहाँ पर कोरोना साइपर शिप को नॉक करते हुए, एटम फ्रैंक यहाँ पर डार्क, भाई कितना नॉक हो रहा है भाई। एक बार चले जाते हैं हम उधर भी भाई, 23 के यहाँ पर फाइट हो रहा था, लेकिन वो तो भाई टोटली फिनिश हो गया। एक बार टीम 4 को देख लेते हैं, टोटल किल अभी भी टीम के लिए यहाँ पर 3 देख सकते हैं हम। शिप द ग्रह यहाँ पर रिवाइव होते हुए, और एटम फ्रैंक का टीम है ये, एटम फ्रैंक आज कौन सा टीम पे खेल रहे ये भी पता नहीं, NBD है भाई, सारा का सारा प्लेयर यहाँ पर मिला जुला हुआ है भाई। एक गाड़ी को देखो एक बार भाई, छलांग लगा रहा है इधर, पता नहीं क्या क्या हो जाता है गेम को बीच बीच पे। एक बार चले जाते दूसरे कोई टीम की तरह, एक बार चले जाते आज का जो रूम क्रिएट किया है उनके पास, PUBG NK जो कि आज सोलो खेल रहा है, रूम क्रिएट किया भाई, कोई भी प्लेयर नहीं है तो सोलो खेल रहा है। इनके पास भी अभी कोई किल नहीं है, लेकिन अभी भी सर्वाइव कर रहे हैं, टॉप 17 पे आ चुके हैं टीम्स अभी भी 17, बाकी 53 प्लेयर्स अभी भी जिंदा यहाँ पर। टॉलबर्ग की तरफ एक यहाँ पर देख सकते हैं कि ड्रॉप गिरा, एक बार ड्रॉप को चेक कर लेते, ड्रॉप पे क्या आया एक बार, ड्रॉप पे घिल्ली MK14 भाई, बैट शॉक तुम्हारा फिर से एक बार फेवरेट गन। उससे पहले जो फ्लेयर आया था उस पर भाई ओम और ऑग था, वो भी बहुत ही बढ़िया एक फ्लेयर ड्रॉप था। अभी तो भाई बैट शॉक का अगर वेस्ट हेलमेट नहीं दो और सिर्फ MK14 दे दो भाई, वो पूरा
सर्वर वो खाली कर देगा, ऐसा खेलता है भाई। पीरो बंदा है, हमारा रेड लेवल खाके खेलता है वो। हमेशा बोलता है कि पेन किलर खाते समय रेड लेवल खा लिया, थोड़ा धूमपान या फिर क्या बोलते हैं सिगरेट जला के वो गेम स्टार्ट करता है और MK14 से खेल लेता है विदाउट हेलमेट वेस्ट। कुछ ज्यादा नहीं हो गया वैशोक या फिर ठीक ठाक है? भाई यार है। और हेलो, पता नहीं आप सुन पा रहे क्या? सुन पा रहा हूँ लेकिन बहुत ही कट कट के यहाँ पर आ रहा है। फ्लेयर चल गया यहाँ पर याशना की तरफ। एक बार चले जाते याशना पे, जहाँ पर देख सकते हो कि भाई बहुत ही ज्यादा जम लगा हुआ है। कौन सा टीम किसके ऊपर चढ़ गया कोई भी पता नहीं चल रहा है। यहाँ पर एक बार ऊपर व्यू से देख लेते हैं हम, ग्राउंड से तो देख लिए भाई। यहाँ पर अब देख सकते हैं कि पबजी एन के जो कि सोलो खेल रहा था वो भी आ गया यहाँ पर। टीम शील्ड की तरफ जा रहा है याशना पे। और इधर भाई टीम 7 है, 6 है, 13 बी से जा रहा है गॉडफादर भाई। 1 2 3 4 5 टीम से यहाँ पर अलाइव है। शील्ड यहाँ पर थोड़ा बहुत इनको डैमेज देने की कोशिश, लेकिन भाई यहाँ पर तो कुछ है। पीछे से 13 नंबर प्लेयर का और भी प्लेयर आ रहे हैं इधर। एक बार चले जाते भाई, गोल गोल घूम रहा है टीम नंबर 13 का, जो कि टीम गॉडफादर से न्यू लाइनअप के साथ आज खेल रहे हो। तीन गाड़ी लेके जा रहा है, ऐसे देख सकते हैं। पबजी एन के यहाँ पर फाइट देख कर सोलो है इसलिए फॉल बैक कर चुके हैं। टीम 6 को एक बार देख लेते, टीम 6 का क्या हाल है इधर। टीम 6 का एक बार चले जाते, जो कि है टीम एविल हाइपर कैप्टन का टीम। हाइपर कैप्टन जो कि टीम 6 से खेल रहे हैं, उनके पास अभी भी टीम की टोटल 0 है। और अभी तो शायद इन्होंने फाइट नहीं लिया, पहले से ये लोग यहाँ पर याशना पे होल्ड किए हुए हैं। चारों प्लेयर अभी भी बचा हुआ है यहाँ पर। टीम 7 जो है उनके पास भी वह चले जाते। ये नया टीम है, टीम नेम अभी तो फिलहाल हमको पता नहीं, लेकिन 2 4 दिन अगर मैच खेलेंगे तो उसके बाद पता चल जाएगा। यहाँ पर देख सकते हैं उनके पास भी कोई टिकिल नहीं है। ट्रियो वर्सेस स्क्वाड यहाँ पर खेल रहे हैं ये लोग। चौथा बंदा यहाँ पर नहीं आया, मैंने बोल दिया था शायद यहाँ पर कि सॉरी मतलब कि वो मेरे को बोल दिया था यहाँ पर कि उनका एक प्लेयर कम आएगा, तो वैसा ही हुआ, कम आया भाई। बोल लीजिए ना यहाँ पर क्रेजी आर एक्स उनका लाइक है यहाँ पर तो। और पूर्व का भाई फाइट चल रहा है। एक बार चले जाते टीम 22 के पास भाई, 22 तो फिनिश हो गया, 14 के पास चला है। पर उनका किल भाई देख सकते हैं यहाँ पर टोटल 7 है उनका किल भाई, बहुत ज़्यादा किल कर चुके हैं टीम एस्टर वालों ने। एस्टर वाले यहाँ पर बहुत ही अच्छा गेम प्ले दिखाते हुए, तो भाई इसे एवी लर्पित ओम का शॉट दिया भाई। ओम का ओम को ओम के पास तो हमको जाना है भाई। ओम कहाँ है ओम तो दिख नहीं रहा भाई, एक बार देख लो भाई कहाँ है ओम। ओम चाहिए हमको, ओम हम भी लेंगे भाई। जहाँ तक लगता है टीम 7 के पास ही था यहाँ पर। तशीम खान यहाँ पर कातिल याश को टोटली फिनिश करते हैं। कातिल याश यहाँ पर अकेला बंदा था टीम कातिल से जो खेल रहे थे। उनका तीनों का तीनों प्लेयर बहुत पहले यहाँ पर नॉक हो चुके थे। शील क्या नाम है इसका भाई, शील स्ट्रीम का यहाँ पर VSS से बहुत ही अच्छा एक स्प्रे देके यहाँ पर टीम 6 का 2 प्लेयर का यहाँ पर नॉक करते चले जाते उनके पास भी एक बार, कि उनके पास क्या हालत है। यहाँ पर रिवाइव तो चल रहा है इनका टीम 7 से भी। याशना पे जो फाइट हो रहा है टीम 7 से भी बहुत सारा फायर आते हुए देख पा रहे हैं हम। एक बार चले जाते तब तक दूसरी जगह भाई एवी लर्पित ने फिर से यहाँ पर शील्ड क्लाउन को नॉक कर दिया भाई। ओम का तो बहुत ही अच्छा एक शॉट दिख रहा है हमको यहाँ पर एवी लर्पित के पास। चले जाते हैं ओम तो भाई दिखने, ओम के साथ 8 टेक्स है यहाँ पर। बहुत ही बढ़िया मिल गया उनको, यही शायद वो वाला फ्लेयर लूटे थे जिस फ्लेयर मतलब फ्लेयर ड्रॉप जो मंगाया था उसको लूट का वहाँ से और 8x ले लिए, क्योंकि वहाँ पर ही मोहित यहाँ पर एटम फ्रंक को नॉक करते, अरिजीत यहाँ पर लाइकन को नॉक करते, NBD मोदी यहाँ पर मोहित को नॉक करते। एक बार चले जाते हैं उनके तरफ भी, पता नहीं कहाँ कहाँ पर फाइट हो रहा है। एक बार सारी टीम्स को हम दिखा देते हैं। 19 नंबर टीम्स के पास चले जाते। अच्छा ड्रॉप के सामने यहाँ पर फाइट देखने को मिल रहा है हमको, तो एक बार ड्रॉप के सामने चले जाते हैं भाई। अभी तो ड्रॉप के सामने तो अभी भी फाइट देखने को मिल रहा था। टीम 13 का फाइट हो गया गॉडफादर का। गॉडफादर का 2 प्लेयर अभी भी नॉक है, उनका टोटल टीम किल यहाँ पर देख सकते हैं 3 है। गॉडफादर अभी भी जिंदा है, रैपिड डाको भी अभी भी जिंदा है, तो शायद गॉडफादर यहाँ पर तो गॉडफादर ने भी यहाँ पर कोई भी किल नहीं किया, रिवाइव दे रहे, तो जिन्होंने नॉक हुआ यहाँ पर वो शायद सब किल कर लिया। गाड़ी लेके यहाँ पर यहाँ से निकलने की कोशिश, ड्रॉप तो ये लोग लूट चुके हैं यहाँ पर। और एक बार चले जाते हम गॉड हंटर ने यहाँ पर रॉच हंट को यहाँ पर नॉक करते हुए, गॉड हंटर यहाँ पर रॉच जीरो को भी नॉक करते हुए। कहाँ पर हो रहा है भाई फाइट, रॉच जीरो यहाँ पर टोटली आता है। 16 और 14 नंबर टीम के बीच यहाँ पर फाइट देखने को मिल रहा है हमको, जो कि
कोचिंग की के कोचिंग की कोचिंग की से बहुत दूर मेंशन और स्कूल के ठीक बीचों बीच यहाँ पर देख सकते हैं ठीक ना फाइट लीजन यहाँ पर अजीत को फिर से नॉक कर दिया। यहाँ पर उनके बीच भी बहुत फाइट हो रहा है भाई, कहाँ कहाँ पर फाइट हो रहा है इतना जल्दी। भाई नेट का तो बहुत ही ज़्यादा इस्तेमाल दिख रहा है हमको यहाँ पर। इलेवन टीम टीम नरुला से टीम नरुला से भी अकेला बंदा यहाँ पर बचा हुआ है। गॉड हंटर तस्सीम खान का टीम भी यहाँ पर अकेला है। नेट जो भी जा रहा है सब ऊपर जा रहा है। यहाँ पर नरुल्ला नॉक होती है। उनका बाकी का टीममेट्स कहाँ पर है पता नहीं। रॉथ सोल यहाँ पर उनके तरफ ही आ रहे हैं बगी लेकर। भाई एक साथ खेलना चाहिए था इनको लेकिन थोड़ा अलग हो गए। शूटिंग रेंज पे यहाँ पर ड्रॉप आ चुका है। एक बार चले जाते ड्रॉप की तरफ की ड्रॉप क्या आया ड्रॉप पे क्या है ड्रॉप पे यहाँ पर ग्रोजा गिल्ली सूट और लेवल 3 का गियर्स। तो भाई वैसा आपको लगता नहीं है कि आज का मैच में जितना भी ड्रॉप दे रहा है सब ड्रॉप पे अच्छा अच्छा चीज़ है। कम से कम डीबीएस तो यहाँ पर नहीं है ना, ये बहुत ही अच्छा है। लीजियन यहाँ पर उल्फ को नॉक करते हुए लीजियन के पास एक बार चले जाएंगे। इनका टोटल टीम किल जो कि ए स्टार से है, इनका टोटल के भी सेवन है। टाइटन जॉय के ऊपर यहाँ पर फायर चलते हुए और खुद ही यहाँ पर नॉक हो जाए टाइटन जॉय की तरफ से। भाई यहाँ पर टीम 8 वर्सेस टीम 4 का यहाँ पर देख सकते हैं मैच, मतलब कि फाइट। भाई यहाँ पर तो इन्होंने बहुत सारा प्लेयर को नॉक कर चुका है। टाइटन जॉय यहाँ पर खुद भी नॉक होके पड़ा हुआ है। नॉक तो नहीं भाई, अच्छा नॉक नहीं है, सोए है यहाँ पर साफ बन के। इसे समझ में नहीं आया कि नॉक है क्या नहीं। टीम 14 के यहाँ पर दो बंदा अभी भी जिंदा है यहाँ पर, बाकी दो प्लेयर को तो टाइटन टीम अगर टाइटन यहाँ पर खा गया उन लोगों को। भाई यहाँ पर वाइपर भी यहाँ पर नॉक होते हुए और बाकी है एक प्लेयर लेकन यहाँ पर बचा हुआ है। अभी तो शायद ये भी नहीं बचेगा बिल्कुल इसी के साथ। लेकिन टीम ए स्टार का पूरा टीम यहाँ पर खत्म हो चुका है। टीम हाइपर कैप सॉरी हाइपर टाइटन इनका टोटल किल अभी देख सकते हैं आप इनका 5 है। और जोन जो कि एकदम बहुत ही अच्छी जगह बोल सकते हैं इसको, एकदम एक साइड पूरा का पूरा जो अपर साइड है याशना का स्टॉलबर्ग के बाहर और सेवरनी को अंदर लेके शूटिंग रेंज को अंदर लेके ये जोन बना हुआ है। कोचिंग के बाहर स्कूल आ गया जोन पे रोजक भी है। तो बहुत ही ज़्यादा यहाँ पर देख सकते हैं कि हाइट का कवर लेने का और हाइट करने का प्लेसेस बहुत है। अगर तुम पोजीशन पर आना चाहते हो तो भाई ये जोन बहुत ही अच्छा है यहाँ पर। भाई याशना पे तो जोन पहले से है, याशना पे फाइट तो चल ही रहा है, फाइट नॉन स्टॉप यहाँ पर फाइट हो रहा है, एक दूसरे को नॉक कर रहे हैं लेकिन कोई भी रश नहीं कुछ भी नहीं। यहाँ पर थोड़ा सेफ खेलने की कोशिश। टीम 7 तो पहले से उधर है तो उधर ही यहाँ पर नहीं आ रहा है। टीम 10 जो कि टीम शील्ड है वो भी यहाँ पर रेड बिल्डिंग जो याशना का प्रिजन है यहाँ पर ही है। टीम 6 जो हाइपर कैप्टन का टीम है वो भी यहाँ पर एक ही बिल्डिंग के एक ही तरफ आसपास घूम रहे हैं एक ही बिल्डिंग का। और एक बार चले पर टीम के पास जो कि यहाँ पर वो भी यहाँ पर सो के टीपीपी लेने की कोशिश कर रहे हैं। तो भाई तुम एक बार बैठक बोल लो ये पबजी एंड केके के बारे में क्या बोलना चाहोगे यहाँ पर। पता नहीं बैटशॉक शायद यहाँ पर फिर से उनका नेटवर्क प्रॉब्लम हो चुका है। एक बार चेक कर लेते हैं। तो बैटशॉक यहाँ पर हमारे साथ डिस्कॉर्ड पे कनेक्टेड नहीं है, उनको रिक्वेस्ट करूँगा मैं मैसेज करके मैसेज करता हूँ कि एक बार दोबारा कनेक्ट हो जाए हमारे साथ। तो तब तक हम ही एक बार कमेंट्री कर देते हैं भाई, कमेंट्री के लिए तो बैठा है यहाँ पर। और याशना को भाई छोड़ो क्योंकि याशना पे तो भाई अभी भी कोई भी फाइट यहाँ पर देखने को नहीं मिलेगी। शील्ड तो भाई यहाँ से निकल चुके हैं, टीम 6 एंड टीम 1 ही यहाँ पर अकेला बचा हुआ है। और एक बार चले जाते भाई जोन तो भाई जितना अच्छा बोला अभी तो उतना ही घटिया यहाँ पर गिर चुका है जोन भाई। टोटली ओपन थोड़ा बहुत तो यहाँ पर बिल्डिंग दिखाई दे रहा है लेकिन यहाँ पर बाकी सब तो यहाँ पर ओपन ही है। ओपन पे जोन फिर 12 टीम अभी भी यहाँ पर बचा हुआ है 38 प्लेयर्स के साथ। यहाँ पर नेटवर्क इश्यू होने की वजह से बैटस्टॉक तो हमारे साथ यहाँ पर डिसकनेक्ट हो चुका है यहाँ पर। तब तक हमें यहाँ पर कमेंट्री कर देते हैं। बैटस्टॉक तो शायद आजकल कनेक्ट नहीं हो पाएगा। यहाँ पर देख सकते हैं कि गॉड हंटर ने हाइपर कैप्टन का यहाँ पर नॉक करते हुए भाई फाइट तो यहाँ पर बहुत ही दिख रहा है हमको जो कि टीम 6-7 इनके बीच यहाँ पर हो रहा है। स्कारिल के साथ भेतिन देता है यहाँ पर 204 टीम 204 से यहाँ पर फाइट हमको दिख रहा है यहाँ पर। और शायद भाई यहाँ पर दूसरा टीम नहीं भाई दूसरा टीम तो नहीं आया, सामने की तरफ है टीम 16 वहाँ पर भी एक बार चले जाते हैं। उनके बीच भी जो फाइट यहाँ पर दिख रहा है हमको टीम 16 वर्सेस टीम 5 यहाँ पर टीम 6 डिवाइन यहाँ पर नॉक होते हुए
किल भी हो जाएंगे शायद, क्योंकि पीछे से तो पीछे था, पीछे से 60 नंबर टीम से फायर कर रहे हैं। यहाँ पर दो का दो प्लेयर यहाँ पर नॉक बैठा हुआ है, और टीम 16 जो कि गॉड हंटर, टीम गॉड हंटर से यहाँ पर फाइट लेने की कोशिश, रश करने की कोशिश कर रहे हैं। लेकिन यहाँ पर तो भाई रिवाइव तो हो चुके हैं चारों का चारों बंदा, और नहीं भाई अभी एक सर तक यहाँ पर तो जिंदा है अभी भी। और टीम 16 यहाँ पर रश करते हुए जैसे कि देख सकते 3-4 यहाँ पर गेम प्ले तो अभी हमको दिखेगा यहाँ पर। पर टीम 16 का सभी प्लेयर का यहाँ पर बहुत ही ज़्यादा बोल सकते कि हेल्थ तो बहुत ही कम है यहाँ पर, और टीम 16 हमको ज़्यादातर लगता है कि ज़्यादा देर यहाँ पर टिक नहीं पाएंगे ये लोग। तो आगे क्या होता है एक बार चेक कर लेते हैं भाई। टीम 16 का किलर तशीम खान ने यहाँ पर दो का दो प्लेयर को यहाँ पर नॉक कर दिया। ठीक है, M4 कारतूस भी यहाँ पर एक बार स्मोक के अंदर जाके M4 कारतूस को देखते हैं, पता नहीं क्या कर रहा है, दिखेगा तो नहीं भाई ये, क्योंकि यहाँ पर बहुत सारा स्मोक हो चुका है। टीम 16 का बाकी जो प्लेयर उनको अगर एक बार रिवाइव दे सकते हैं तो बहुत ही अच्छा होगा। तशीम खान अगर एक बार रिवाइव दे दे भाई, यहाँ पर तशीम खान ने फिर से एक बार नॉक कर दिया इनको भी, और इनका जो प्लेयर था वो भी रिवाइव नहीं होने की वजह से नॉक तो हो गया भाई। भाई तशीम खान को है यहाँ पर तो बोला था भाई बहुत ही अच्छा यहाँ पर गेम प्ले दिखाया तुमने, लेकिन क्या करें भाई अकेला प्लेयर तो बचा हुआ था, और यहाँ पर उनका तो चारों का चारों प्लेयर अभी भी जिंदा है यहाँ पर, बहुत ही लो एच पी पे है। लेकिन तशीम खान आपने बहुत ही अच्छा यहाँ पर गेम प्ले दिखा। तो एक बार चले जाते हैं हम दूसरा टीम्स की तरफ भाई, यहाँ पर फिर से आ रहे हैं टीम नंबर 19 की ओर चले जाते हैं एनडी गेमिंग, जो कि टीम सजी का अच्छा टीम हैजर्ड से, लेकिन यहाँ से निकल गया, फाइट नहीं लेना चाहते होंगे यहाँ पर। सामने से भाई टीम 12 देख सकते हैं हम एनडी गेमिंग का, तो भाई यहाँ पर हेल्थ तो बहुत ही लो कर दिया, और यहाँ पर रश क्यों कर रहे हैं भाई ये लोग एनडी गेमिंग, यहाँ पर नॉक होते हुए भाई बहुत ही गंदा रश किया यहाँ पर एनडी गेमिंग को, देखना चाहिए हिडेक्स भी यहाँ पर नॉक होते हुए पड़ा हुआ है, एनडी गेमिंग यहाँ पर टोटली फिनिश होता है। सर्जिकल लूप भी यहाँ पर भाई भाग गई है, ये तो भाग गया भाई यहाँ से, पता नहीं क्यों भाग गया यहाँ से हिडियक्स यहाँ पर तो भाई नॉक होते हुए पड़ा हुआ है, इनको तो रिवाइव नहीं दे सकते हैं यहाँ पर कोई भी। हिडियक्स तो भाई गया भाई, तुम भी यहाँ पर यहाँ से ख़त्म हो गए। एक बार जैसे टीम नंबर 5 जो कि यहाँ पर फाइट ले रहा था पहले इन पर कारतूस, यहाँ पर ओम के साथ एटेक्स यूज़ करते हम यहाँ पर देख सकते 7 टीम जो ओ भाई यहाँ पर चलती गाड़ी पे या फिर चलती बगी पे यहाँ पर फायर देने की कोशिश टीम 7 के ऊपर, लेकिन फायर तो ज़्यादा लेंगे पीछे से, और यूजी के ऊपर भी। ओ भाई यहाँ पर गाड़ी पे ये तो भाई नॉक कर दिया चलती गाड़ी पे भाई, क्या ही ओम का यूज़ कर रही है लोग। टीम 8 तो भाई अभी फंस चुके हैं यहाँ पर, सामने से ओम का फायर आते हुए, सर्जिकल लुक के ऊपर भी फायर आते हुए, टोटल 9 टीम सभी पे बचा हुआ है यहाँ पर, 22 प्लेयर से बदले जाते उनके पास भी ये लोग, तो भाई यहाँ पर से बहुत ही ज़्यादा फायर करते हुए टीम 8 के ऊपर। तो टीम 8 जहाँ तक कि कवर पे तो है गाड़ी के पीछे, तो गाड़ी अगर कुछ ज़्यादा देर हुआ तो फूट जाएगा यहाँ पर भाई, खुद ही यहाँ पर गाड़ी को फोड़ दिया, क्योंकि उनको कवर तो लेना ही होगा। इनके पास टोटल किल एक बार चेक कर लेते, टोटल लेकिन 7 है इनके पास। रैफ पाइथन भाई, रैफ पाइथन तो यहाँ पर हाइड्रा टाइटन से है, जिनका टोटल किल अभी भी 0 है। हाइड्रा टाइटन यहाँ पर बहुत ही ज़्यादा 2-3 मैच लीग से यहाँ पर बहुत ही अच्छा गेम प्ले दिखा रहे हैं। अरिजीत जो कि यहाँ पर नॉक हो चुके हैं यहाँ पर भाई, VSS का फायर कहाँ से आ रहा है भाई, VSS का फायर भी यहाँ पर देख सकते हैं हम, उनके पास भी हेल्थ तो बहुत ही लो है, रिवाइव तो शायद यहाँ पर नहीं हो सकता कोई भी आ जाए। पीछे से आ गया शील्ड क्लाउन यहाँ पर भाई, शील्ड क्लाउन नहीं भाई, पूरा शील्ड टीम ही आ गया यहाँ पर, लेकिन उनको क्या पता है यहाँ पर टीम यूनिटी भी पहले से यहाँ पर, अच्छा टीम यूनिटी नहीं है सॉरी, टीम यूनिटी तो यहाँ पर नहीं है, सब टीम यूनिटी भी यहाँ पर है, क्योंकि जो नॉक किया था वो टीम यूनिटी से ही था भाई। स्मोक के अंदर यहाँ पर रिवाइव, आरसीबी गोलू को भी नॉक, शील्ड उल्फ घोष्ट को यहाँ पर वीएसएस से फिर से नॉक करते हुए जो स्मोक के अंदर एक बार चले जाते ड्रॉप के पास, ड्रॉप पे क्या गिरा है एक बार वो भी चेक कर लेते हैं हम। ड्रॉप पे जो कि नॉर्मल ड्रॉप पे सर्किट, और ड्रॉप पे आ गया ओम, कोई एक स्कोप तो नहीं लेकिन ओम आ गया, किसी के पास अगर 4x 8x होगा तो इसको तो यूज़ कर सकते हैं पबजी के यहाँ पर, बहुत ही सेफ खेलते हुए। इनका टोटल गेम भी 0 है, अकेला सोलो प्लेयर बचा हुआ था खेलते हुए, अभी भी जिंदा है, टॉप 7 पे तो आ चुके हैं ये लोग। एक बार हम चले जाते हैं नंबर 5 जो कि यहाँ पर टोटल उनका किल 5 है, 5 किल के साथ अभी भी मैच को मैच खेल रहे हैं शील्ड टीम और जो एक टीम 8 है ये लोग तो भाई जोन के बाहर है अभी भी, देख सकते हैं यहाँ पर शील्ड वेव यहाँ पर नॉक होते हुए भाई, शील्ड वेव को वीपी आयुष ने यहाँ पर M4 के स्प्रे के द्वारा नॉक कर चुके हैं यहाँ पर। शील्ड क्लाउन यहाँ पर जोन के अंदर जाने की कोशिश कर रहे गाड़ी से,
भाई और पीछे यहाँ पर रैफ पाइथन जो कि टीम हाइड्रा टाइटेन से है, ये तो यहाँ पर नॉक हो चुके हैं दोनों का दोनों प्लेयर। भाई जोन के बाहर रिवाइव नहीं देना चाहिए था, इतना छोटा जोन तो यहाँ पर हो चुका है। टॉप सिक्स टीम सभी भी यहाँ पर बचा हुआ है। एक बार मैप पे देख लीजिए कि जोन के अंदर भाई यहाँ पर आप सिर्फ एक टीम को देख सकते हैं, बाकी का बाकी प्लेयर तभी भी जोन के अंदर जाने की कोशिश तो कर रहा है। यहाँ पर टीम 12 जिनका टोटल किल 8 है, तो भाई आज ये ज़्यादा देख लिए, ये तो और भी जो कि टीम आरसीबी है ये सबसे हाईएस्ट किल यहाँ पर कर चुके हैं जितने भी प्लेयर्स का हम यहाँ पर देखें। बाकी तो का रिजल्ट तो आपको मिलेगा गेम मैच खत्म होने के बाद। तो एक बार चारों तरफ भाई फ्लेयर मंगवाया अभी अभी भाई लार्ज जोन पे फ्लेयर मंगवा दिया। फ्लेयर पे क्या है एक बार देख लेते हैं। फ्लेयर पे तो भाई अच्छा चीज़ ही होगा। यहाँ पर दो का भाई यहाँ पर एक तो डिफेंस है लेकिन एक और ओम ओम है विथ सपने स्नाइपर सप्रेसर है यहाँ पर। बहुत ही अच्छा आज तो ड्रॉप देखने को मिल रहा है हमको यहाँ पर। लेवल 3 का बेस्ट गियर्स तो सबको मिल जाएगा यहाँ पर। टीम 5 का सार्थक जो कि अकेला बंदा पता नहीं यहाँ पर थोड़ा दूर आके खड़ा हुआ है। एक बार पीछे भी देख लेता कि पीछे भी यहाँ पर अच्छा तो पीछे तो इनका ही टीम मेट्स यहाँ पर है। टीम 12 एक बार ओवरऑल पे देख लीजिए कौन सा टीम यहाँ पर बचा हुआ है। एक बार फर्स्ट से आते हैं पबजी एंड के जो कि सोलो प्लेयर्स खेल रहे हैं। चौथी का 3 नंबर का जी दीपक यहाँ पर बचा। जी दीपक ने यहाँ पर भाई शिल्क क्लाउन को नॉक करते हुए उनका ही नाम बोल रहा था उन्हीं ने यहाँ पर शिल्क क्लाउन को नॉक कर दिया। शिल्क क्लाउन यहाँ पर शिल्क का टीम का आज बहुत ही ज़्यादा नॉक देखने को मिल रहा है हमको यहाँ पर। शिल्क मतलब कि शिल्क का टीम यहाँ पर बहुत ज़्यादा नॉक होती है। तो टीम 5 यहाँ पर जो कि अभी भी यहाँ पर पूरा स्क्वाड के साथ खेला। टीम 12 पे यहाँ पर 2 प्लेयर, टीम 17 पे यहाँ पर 3 प्लेयर अभी भी बचा हुआ है। 4 टीम यहाँ पर बचा हुआ है। जोन को एक बार देख लेते हैं, मैप पर देख लीजिए। जोन भी छोटा हो गया लेकिन अगर लीग का लीग के बारे में बात करें तो लीग के हिसाब से तो भाई अभी भी बहुत कम प्लेयर यहाँ पर बचा हुआ है। जी दीपक यहाँ पर टीम 12 के एक प्लेयर को यहाँ पर नॉक कर दिया। और अगर एक ही प्लेयर यहाँ पर बचा हुआ है ऑल डेथ, तो ऑल डेथ तो अभी भी उसको नहीं देखा। और M4 6S का स्प्रे यहाँ पर देने की कोशिश, थोड़ा बहुत यहाँ पर नॉक डैमेज भी दे चुके ही है। और इसी के साथ उनका एक प्लेयर को तो रिवाइव नहीं हो पाया लेकिन यहाँ पर वो तो किल तो हो गया और नेट आया लेकिन कुछ नहीं सकता। 12 टीम नंबर 12 का जो प्लेयर वो पीछे आ चुका था। यहाँ पर 1v1 देख सकते और यहाँ पर कारतूस जो कि कहीं कौन सा टीम है ये तो पता नहीं, लेकिन यहाँ पर शायद तक शायद ये टीम 204 होगा। यहाँ पर ये तो बहुत सारा किल कर चुके, अभी भी जिंदा है टीम। ठीक है जी दीपक 12 भी अभी भी यहाँ पर खेल रहे हैं लेकिन टीम 12 का जो दूसरा प्लेयर था यहाँ पर जो कि जोन के बाहर जाके नॉक हो गया, अंदर आने की कोशिश कर रहा लेकिन फायर की वजह से टीम नंबर 5 से वो यहाँ पर फिनिश होती है। टीम शील्ड भी यहाँ पर नॉक किल कर चुके हैं। भाई दिन दिन जितने प्लेयर को हम सॉरी शील्ड तो नहीं है, टीम डेस्ट्रोक है यहाँ पर, सॉरी थोड़ा मिस्टेक हो गया। यहाँ पर शील्ड यहाँ पर टोटली फिनिश हो चुके थे। 3 प्लेयर अभी भी बचा हुआ है और भाई जिस बार यहाँ पर वीपी आयुष को बहुत सारा डैमेज दिया, 20 HP पे छोड़ दिया यहाँ पर। भाई एम्स कारतूस को यहाँ पर नॉक कर दिया। यहाँ पर वीपी तनिष को भी यहाँ पर नॉक है। भाई 3 प्लेयर यहाँ पर नॉक है, बाकी बचा है एक प्लेयर जो कि है सार्थक टीम 5 से सार्थक जो कि अकेला प्लेयर बचा हुआ है। किसी को तो अभी फिलहाल रिवाइव नहीं दे सकते तो इनका अभी एक ही चांस है स्मोक करके, आप जो कि कर चुके हैं यहाँ पर स्मोक करके यहाँ पर एक प्लेयर को तो कम से कम रिवाइव दे जो कि M4 कारतूस है। यहाँ पर टीम डेस्ट्रोक से जो टीम एटम अमन रियल डैडी और क्या है इनका नाम CIV बैगूर ऐसा कुछ है, लुकिंग तरुण जो कि पहले नॉक हो चुके थे, नॉक और फिनिश हो चुके थे, नॉक तो नहीं फिनिश हो चुके थे। 6 टीम्स 6 प्लेयर्स अभी बचा हुआ है। भाई M4 कारतूस को फिर से नॉक कर नेट से यहाँ पर नॉक करते हैं टीम 17 के द्वारा और दूसरा नेट से उनका हेल्थ भी यहाँ पर आधा कर दिया 50%। अभी तो ये रिवाइव हो पाएगा कि नहीं डाउट है। जोन के बाहर है तो सार्थक को अभी तो जोन पे जाना है वरना जोन बहुत ही छोटा है, बहुत डैमेज देगा इनको, डैमेज देना स्टार्ट भी हो चुका है। जी दीपक को एक बार देख लेते, जी दीपक तो यहाँ पर पीछे से जाके इनके फायदे की कोशिश और सार्थक यहाँ पर टोटली फिनिश होते हुए 4v1 सिचुएशन यहाँ पर देख सकते हैं आप लोग। यहाँ पर जी दीपक के ऊपर अभी तो फिलहाल तो कोई फायर नहीं हो रहा है, यहाँ पर जोन के अंदर आके जी दीपक यहाँ पर बैठ चुके हैं। तो भाई इनको आई विश ये नॉक करके अगर मैच जीते भी ना लेकिन नॉक तो करे एक दो प्लेयर को तो देखने में अच्छा लगेगा इनके, क्योंकि अभी भी इनके टीम पे तो टोटल किल्स ही 2 है जो कि 2 का 2 किल्स ही यहाँ पर हाइपर टीम हाइपर से था। ये 2 का 2 किल्स ही जी दीपक टेल पर यहाँ पर किया है। शिल्क क्लाउन को भी इन्होंने नॉक किया था।
कान 98 से शायद, हाँ बिल्कुल कान 98 से शायद किया। टीम 17 का एटम अमन को यहाँ पर देख लेते जो कि अच्छा टीम 17 यहाँ पर गाड़ी लेके घूमना चाहेंगे। दो प्लेयर अभी भी यहाँ पर बचा हुआ है, तो दो प्लेयर बचा हुआ है अभी गाड़ी लेके घूम घूम के अभी तो पता चल जाएगा इन लोगों को कि जी जो अकेला प्लेयर बचा हुआ है वो कहाँ पर है। यहाँ पर गाड़ी तो देख लिया, आपको सोचा कि भाई यहाँ पर ही कहीं पर होगा, लेकिन नहीं भाई वो तो ऊपर है। तो जी दीपक 12 यहाँ पर चाहे तो उनके ऊपर स्प्रे कर सकते हैं, लेकिन वो अगर जोन पे भी चले जाते तो ज़्यादा बेटर होता है। यहाँ पर जोन पे भी जाना होगा इनको। एटम अमन जो कि जी दीपक के बिल्कुल सामने आ रहे हैं, उन्होंने सोचा कि स्नाइपर टावर पे, एटम अमन ने सोचा कि स्नाइपर टावर पे कोई होगा। एक बार एटम अमन को व्यू से भी देख लेते हैं कि कहाँ पर। अच्छा उन्होंने देख लिया कि जी दीपक 12 कहाँ पर है भाई, लेकिन जी दीपक 12 थोड़ा तो भाई यहाँ पर साइड पे आ चुके हैं। एटम अमन यहाँ पर नेट करके अच्छा किया, लेकिन कोई भी फर्क नहीं हुआ। जी दीपक 12 तो यहाँ पर डैमेज कुछ भी नहीं खाया, यहाँ पर 2 vs 1 भी यहाँ पर देख सकते। मॉली कर दिया पेड़ के पास, और जी दीपक तो बहुत पहले ही से यहाँ पर लेटे लेटे खेल रहे हैं। एटम अमन भी अभी थोड़ा सा बन चुके हैं यहाँ पर, और दूसरा जो प्लेयर है इनका वो यहाँ पर पेड़ के पीछे। एटम अमन और जी दीपक 12 को यहाँ पर देख सकते हैं कि दोनों का दोनों प्लेयर एक दूसरे के सामने जा रहे हैं। जी दीपक अगर इनको नॉक कर दे तो भाई बहुत ही मज़ा आएगा, 1v1 यहाँ पर देखने को मिलेगा हमको यहाँ पर। और नहीं भाई, एटम टीम डेथ स्ट्रोक यहाँ पर जीत चुका है ये मैच। एक बार स्कोर भाई आप लोग देख ले, आज को ज़्यादा नहीं बोलेंगे क्योंकि इसके बाद हमारा भी एक तो मैच है, हम भी खेलेंगे। तो आज ठीक सिर्फ हम तीनों प्लेयर का डिटेल्स बताएंगे और बाकी का डिटेल्स आप लोग यहाँ पर देख लीजिए स्क्रीन पे। यहाँ पर भाई फिर से बैकग्राउंड पे यहाँ पर बहुत ही ज़्यादा शोर देखने को मिल रहा है हमको यहाँ पर। एक बार हम उसको बंद कर देते हैं, आप मैं तो सुन पाओ लेकिन आप लोग सुन नहीं पाओगे, आप सिर्फ मेरा बात सुन पाओगे। यहाँ पर जो टीम डेस्ट्रोक है फिर भाई ये डिस्ट्रोक से है या फिर टीम एटम से, ये तो पता नहीं चल, शायद एटम से, सॉरी भाई अब तक गलत बोल दिया। ये सब एक्सचेंज करके खेल रहे हैं सब लोग यहाँ पर। उनका टोटल टीम किल्स से यहाँ पर आपका 15-15 किल्स यहाँ पर, सॉरी 14 किल्स यहाँ पर कर चुके हैं लोग। जहाँ पर देखते हैं यहाँ पर 7 किल के साथ लूट किंग करो यहाँ पर 0 किल, रियल लेडी यहाँ पर 5 किल, एटम हमारे यहाँ पर 2 किल। जी दीपक जो कि हाइपर टीम हाइपर से है, उनका टोटल किल है 2, सोलो प्लेयर बचा हुआ था पहले ही बहुत, अपना खुद का 3 प्लेयर का यहाँ पर खो चुके थे। यहाँ पर टीम थ्री से यहाँ पर आ चुके हैं भाई। टीम का नाम तो नहीं पता, सॉरी गाइस अगर देख रहे हो तो सिंपल आपका टीम का नाम नहीं पता, लेकिन धीरे धीरे हो जाएगा, थोड़ा बहुत ज्वाइन कर कीजिए। वीपी टेनिस यहाँ पर 2 किल, इंफोर कार्टून यहाँ पर 2 किल भाई। इंफोर कार्टून से बारे में जाएगा तो उनको ओम का शॉट जो कि US पे चलती गाड़ी पे नॉक कर दिया, बहुत ही अच्छा लगा मेरे को। वीपी आयुष यहाँ पर 2 किल के साथ, सार्थक यहाँ पर 29 DKM यहाँ पर 2 किल के साथ टोटल इनका किल हुआ 8 भाई। सब लोग 2-2 करके किल कर चुके हैं यहाँ पर, किसी का कम ज़्यादा नहीं। एक बार बाकी का रिजल्ट आप लोग यहाँ पर स्क्रीन पर देख लीजिए, हम धीरे धीरे एक बार ले चल है आपको। 5 प्लेयर टीम 4 पे आ चुका है यहाँ पर, टीम RCB 5 पे, पबजी एम के शील्ड यहाँ पर 6 पे, हाइडा टाइटन यहाँ पर 7 पे, हैजर्ड यहाँ पर 8 पोजीशन पे भाई। 9 नंबर पोजीशन जो ले उनका भी हमको टीम नेम पता नहीं, लेकिन टोटल किल इनका 1 है। टीम 10 पे यहाँ पर गॉडफादर आ चुका है, टीम किल टोटल किल 4 के साथ 11 पे यहाँ पर आ चुका है डिवाइन का टीम तशीम खान, यहाँ पर बहुत ही अच्छा गेम प्ले दिखाते हैं। टोटल किल इनका टीम का है 6। 12 पे आ चुका है हाइपर कैप्टन 0 किल के साथ, टोटल किल 0 है। 13 पे आ चुके हैं यहाँ पर नरुला 0 किल के साथ, 14 पे आ चुके हैं टीम एस स्टार यहाँ पर 7 किल के साथ, NBD मुदित यहाँ पर आ चुके हैं, टीम NBD एटम फ्रैंक भाई किसका टीम है पता नहीं है, कैसा कैसा टीम तो सबका बारे में तो पता है लेकिन कौन सा टीम से खेल रही है पता नहीं है। यहाँ पर 3 किल कर चुके हैं 15 नंबर पोजीशन पर, हाइपर कासिम यहाँ पर 1 किल के साथ 17 पोजीशन पे आ चुके हैं यहाँ पर, पता नहीं ये भी टीम क्रेजी है सर, हाँ टीम क्रेजी है, ये नया टीम है 6 किल के साथ। 18 पे आ चुके हैं HSOP डेविल यहाँ पर, टीम हेडशॉट से 0 किल के साथ 19 पे यहाँ पर आ चुके हैं, टीम यूनिटी यहाँ पर 2 किल 3 किल के साथ 20 पे आ चुके हैं, INDIA आशुतोष यहाँ पर 0 किल के साथ भैया। तो एटम वेनम जो कि शायद ये शायद डेस्टॉप का टीम है 0 किल के साथ 21 पे, 22 पे आ चुके हैं गरुड़ भाई, बहुत पहले ही ये लोग आउट हो गए थे, 22 पे चले गए भाई लास्ट पे एकदम 0 किल के साथ। तो आज का स्ट्रीम है, आज ज़्यादा कुछ बात नहीं कर सकते हम, इसी के साथ यहाँ पर खत्म करते हैं। अच्छे मिलेंगे कल एक फिर से नए स्ट्रीम पे डेली कस्टम्स पे। तो भाई सब प्लेयर को अगर कोई ज्वाइन करना चाहते हैं हमारा ये कस्टम्स जो अगर खेलना चाहते हो तो भाई ग्रुप डिस्क्रिप्शन लिंक है वहाँ पर आ जाओ। तो आज इसी के साथ स्ट्रीम खत्म करते हैं, गुड नाइट।
सी यू ऑल टुमारो।